Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो 2010 में रिलीज हुई एक स्पैनिश हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम जूलियाज आईज है और इसके डायरेक्टर हैं गिलेम मोरालेस। ये कहानी जूलिया नाम की एक औरत के बारे में है जिसकी जुड़वा बहन ने सुसाइड कर लिया, पर उसे शक है कि वो सुसाइड नहीं और इसीलिए वो उसकी मौत के पीछे का राज ढूंढने की हर कोशिश करती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक घर के बेसमेंट में जहां सारा नाम की एक अंधी औरत फांसी लगाने की तैयारी कर रही है। वो किसी अनजान शैडो से डर रही है जो उसे टॉर्चर करता है। वो फांसी लगाने के लिए स्टूल पर चढ़ती है और उस शैडो को सामने आने के लिए कहती है, पर वो नहीं आता। फांसी लगाते हुए अचानक वो अपना मन बदल लेती है, पर जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करती है वो अनजान इंसान उसी रूम में मौजूद था और अंधेरे में छिपकर उस पर नजर रख रहा था। मरती हुई सारा के फोटोज लेकर वो वहां से भाग जाता है। वहां से काफी दूर एक जगह जूलिया को कुछ फील होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी जुड़वा बहन के साथ कुछ हुआ है। जूलिया की आंखों में भी उसकी बहन की तरह एक बीमारी है जिसकी वजह से जूलिया धीरे धीरे अपनी नजर खो रही है। वो अपनी बहन की मौत से टूट चुकी है। सारा के फ्यूनरल में सिर्फ उसका पड़ोसी और उसकी एक बेटी आते हैं जो देखकर जूलिया को बहुत दुख होता है। जूलिया के पति और सारा के बीच एक अफेयर था जिसके लिए उसने उन दोनों को माफ कर दिया है। वो सारा की कॉफिन के पास बैठकर भी वही चीज कहती है। तभी जूलिया को वहां किसी के होने का एहसास होता है। जूलिया इस बात पर जोर देती है कि सारा सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो डिप्रेस्ड नहीं थी और कोई है जो उस पर नजर रखता था और जूलिया और उसके पति पर भी नजर रख रहा है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। जूलिया का पति इसाक भी उससे ये सारी जांच पड़ताल करने से रोकता है। इसके बाद जूलिया अपनी आंखें दिखाने डॉक्टर के पास जाती है जहां उसे पता चलता है कि सारा वहां सर्जरी के लिए आई थी, पर वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था। सारा के बारे में पता लगाते हुए जूलिया सारा की एक पड़ोसी से मिलती है जो देख नहीं सकती। वो उसे अपने बेटे एंजल के बारे में बताती है जिसने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो अंधी हो गई थी। वो उससे कहती है कि इसाक भी उसे वैसे ही छोड़ देगा, जिसके बाद जूलिया वहां से निकल जाती है। जूलिया को इसके बाद ये पता चलता है कि सारा का एक बॉयफ्रेंड था और वो पास के किसी होटल में उसके साथ रुकी थी। वो इसाक को लेकर उसी होटल में जाती है जहाँ का एक वेटर जूलिया से बात करने आता है। वो उसे बताता है कि उसकी जुड़वा बहन वहाँ आई थी, पर उस वेटर ने उसके साथ किसी और आदमी को नहीं देखा। वो होटल के रिसेप्शन पर भी पता करती है, पर रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि वहाँ के रिकॉर्ड्स किसी ने डिलीट कर दिए हैं। जब वो इसाक को ये बताती है कि वहाँ सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी तो वो इस बात से नाराज हो जाता है और फिर से उसे इन्वेस्टिगेशन करने से रोकता है। होटल से निकलते वक्त जूलिया को एक जैनिटर मिलता है जो उसे बताता है कि सारा को उसने उस होटल में देखा था और उसने उसके साथ एक आदमी को भी देखा था जिसे किसी और ने नहीं देखा। वो जैनिटर उसे बताता है कि कुछ लोग साये की तरह होते हैं। वो आसपास ही होते हैं मगर इंसानी आंखों से छिपे हुए रहते हैं और उन्हें अंधेरे में छिपना बहुत अच्छे से आता है। सारा के साथ भी ऐसा ही एक इनविजिबल आदमी था जिसे कोई नहीं देख सकता था और जूलिया को उस आदमी से बचकर रहना चाहिए। तभी वहां अंधेरे से बाहर निकलकर वो आदमी भागता है। वो आदमी जूलिया का हर जगह पीछा कर रहा था, पर ना तो जूलिया ना तो कोई और उसे देख पाया था। उसका पीछा करते हुए इसाक जूलिया को रोकता है और उससे वहां से चलने के लिए कहता है। जूलिया जिद करती है कि सीसीटीवी फुटेजेस चेक करके उस आदमी को पकड़ सकते हैं, पर इसाक ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कोई आदमी सच में है। जूलिया की जिद से परेशान होकर वो आखिरकार सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि इसके बाद वो अपनी आंखों की सर्जरी करवाएगी। वो पार्किंग एरिया में जाता तो है पर बहुत देर तक बाहर नहीं आता। काफी देर इंतजार करने के बाद जूलिया अंदर जाती है जहां उसे पता चलता है कि इसाक वहां आया था और फुटेजेस कॉपी करवाने के लिए उसने वहां के गार्ड को कुछ पैसे दिए, पर वो फुटेजेस लेने से पहले ही गायब हो गया।
तभी अचानक वहां की लाइट्स चली जाती है और वो अनजान आदमी आकर वो फुटेजेस चुरा कर ले जाता है। जूलिया इजैक को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद मांगती है, जो ये मानने को तैयार नहीं कि इजैक को उस इनविजिबल आदमी ने किडनैप किया है। वो उन्हें उस जैनिटर के पास लेकर जाती है, पर उनके वहां पहुंचने से पहले ही वो आदमी उस जैनिटर को मार चुका होता है। इजैक को ढूंढते हुए वो लोग सारा के घर पहुंचते हैं। जूलिया की नजर और कमजोर होती जा रही है और उस घर में इंस्पेक्टर को एक सुसाइड नोट मिलता है और इजैक की बॉडी भी मिलती है। सुसाइड नोट में लिखा होता है कि वो सारा से प्यार करता था, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब जूलिया की नजर पूरी तरह खराब हो जाती है और वो अब कुछ नहीं देख सकती, पर हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि उसके लिए एक डोनर मिल गया है, जिसके बाद उसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जाती है। जूलिया को 2 हफ्तों के लिए आंखों पर पट्टी बांध कर रखने के लिए कहा जाता है और जूलिया के कहने पर इजैक की बॉडी को मॉर्ग में ही रखा जाता है। जूलिया चाहती है कि उसकी आंखें वापस आने तक वो लोग उसकी बॉडी के साथ कुछ ना करें। जूलिया फिर से सारा के घर रहने जाती है, जहां उसका ध्यान रखने के लिए एक हेल्पर को भेजा जाता है जिसका नाम इवान है। जूलिया को अब भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर इवान के पेशेंस की मदद से उसे हिम्मत मिलती है और इवान के साथ रहकर वो खुश रहने लगती है। बैंडेजेस खोलने के 4 दिन पहले वो अनजान आदमी रात में जूलिया के कमरे में आता है और उसे खींच कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर जूलिया उसे मारकर वहां से भाग जाती है और सारा के पड़ोसी के घर जाती है। वो पड़ोसी जूलिया का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर वो वहां से निकल जाती है। वो छिपकर इवान को पेजर से एक मैसेज भेजती है और कुछ देर में इवान वहां आकर उसे अपने घर ले जाता है। जब इवान घर से बाहर जाता है तो घर में जूलिया को किसी के आने का एहसास होता है। जूलिया बाथरूम में जाकर छुप जाती है, तब उसे पता चलता है कि वहां लिया आई है, सारा के पड़ोसी की बेटी। वो उसे बताती है कि इवान ही वो इनविजिबल आदमी है जिसने सारा की सर्जरी खराब कर उसे अंधा बनाया और इजैक को नकली सुसाइड नोट लिखने पर मजबूर किया। वो एक साइकोपैथ है जो सारा और जूलिया की तस्वीरें खींचकर अपने दीवार पर रखता है। बाथरूम में जूलिया अपनी बैंडेजेस निकाल देती है ताकि वो देख पाए। वो बाथरूम से बाहर निकलती है और दीवार पर उसकी और सारा की तस्वीरें देखती है। जैसे ही वो मुड़ती है तो उसे मरी हुई लिया दिखती है। तभी वहां इवान आता है, जिसे देखकर जूलिया नाटक करती है अंधे होने की, और उसे तब पता चलता है कि इवान ने ही लिया को मारा है। वो रोकर उसे कहती है कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा और वो कुछ भी नहीं देख पा रही। इवान पहले तो उसकी बात पर भरोसा कर लेता है, पर शक होने पर वो उसे असली इवान की डेड बॉडी के पास ले जाता है। इवान उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और चाहता है कि वो अंधी बनकर रहे, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को उसकी जरूरत होती है जो देख नहीं सकते, और अगर वो देखने लग जाए तो उसे इवान की जरूरत नहीं होगी। वो फिर से उसे सारा के घर ले जाता है, जहां से जूलिया बचकर भागती है और उस अंधी औरत के घर मदद मांगने जाती है जिससे वो पहले मिली थी। इवान वहां पहुंचता है और तब जूलिया को पता चलता है कि उस अंधी औरत का बेटा एंजल कोई और नहीं, इवान ही है। एंजल की मां जूलिया को मारकर बेहोश करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अंधी होने का नाटक कर रही थी ताकि एंजल उसके पास वापस आ जाए। ये देखकर एंजल अपनी मां पर ही अटैक करता है और उसे इंजेक्शन देकर अंधा बना देता है। तभी जूलिया मौका देखकर वहां से निकल जाती है और पुलिस को बुलाती है। तभी अचानक वहां की लाइट्स चली जाती है और जूलिया फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करकर छिपे हुए एंजल को सबके सामने लाती है। एंजल, जो दुनिया से छिपकर अंधेरे में रहता था, आज पहली बार लोगों की नजर में आया है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो खुद का गला काटकर सुसाइड कर लेता है।
अंत में हॉस्पिटल में जूलिया को बताया जाता है कि वो अपनी नजर हमेशा के लिए खोने वाली है क्योंकि बैंडेजेस जल्दी निकालने की वजह से आंखें पूरी तरह डैमेज हो गई है। अपनी नजर पूरी तरह खो देने से पहले वो इजैक को आखिरी बार अलविदा कहने आती है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसका डोनर कोई और नहीं इजैक ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।